दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अपकमिंग एमसीयू के बिग बैड विलन के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी तक का जो बिग बैड विलन था वो था थैनोस। और भी छोटे छोटे विलन थे, जैसे कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन विलन था, लोकी अंडर कंट्रोल था दी एवेंजर्स में, और भी ऐसे विलन थे बाकी सोलो मूवी में जो कि बिग बैड में नहीं आएंगे फिलहाल, लेकिन बिग बैड में आ सकते हैं, जैसे कि डोरमामू एंड हेला। तो ये दो नाम मेरे दिमाग में है। आप लोग मुझे और भी कोई विलन्स के नेम बता सकते हो कमेंट करके, लेकिन कोई न्यू नहीं, ऐसे किसका नेम जिसको हमने पहले देखा है विलन के मोड में। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि डोरमामू और हेला नेक्स्ट बिग बैड हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पावरफुल थे। और हेला हमें मरते हुए नहीं दिखी है, मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा, हेला हमें मरते हुए नहीं दिखी है, शायद आप लोगों को भी पता होगा, हमें प्रॉपर तरीके से वो मरते हुए नहीं दिखी है। और डोरमामू मरा नहीं है, डील करके मतलब वो चले गया था पीछे। तो दोनों ही आ सकते हैं एमसीयू के फ्यूचर में। तो अब बात करते हैं एक रूमर के बारे में। तो रिसेंटली मुझे रूमर ये मिला है कि एमसीयू का जो नेक्स्ट बिग बैड विलन होगा वो होगा डॉक्टर डूम। तो शायद अभी आप लोग ये सोचोगे कि मैंने एक बार वीडियो बनाया था जिसका नेम था फेस फॉर बिग बैड विलन, ठीक। तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि वहाँ मैंने कैंग का नेम लिया था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहली बात वो मेरा ओपिनियन था, सेकेंड मैंने कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया था, कॉज ऑफिशियली किसने कुछ कहा भी नहीं था, और थर्ड मैंने सिर्फ फेस फोर के बिग बैड विलन के बारे में बात किया था। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि डॉक्टर डूम और गैरेक्टस हमें दिख सकते हैं, यानी कि दोनों हमें दिख सकते, बट सेटअप होगा फेस फोर या फिर फेस फाइव में दोनों का। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, यानी ये जो रूमर है डॉक्टर डूम बिग बैड विलन वाला, तो वो फेस फोर के लिए नहीं, फेस फाइव या फिर फेस सिक्स के लिए है। जैसे थैनोस हमें दिखा था फेस थ्री के मूवी में, उससे पहले तो कभी डायलॉग था, कभी फेस हमें दिखाया गया था थैनोस का, यानी कि डायरेक्टली नहीं बताया गया हमें वो मूवी में, डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में दिखा है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने डॉक्टर डूम के बारे में क्या रूमर आप लोगों को बताया है, और आप लोगों को मैंने थैनोस को एग्जाम्पल रख के भी समझाया है कि कैसे क्या हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर डूम का कैमियो या फिर अपीयरेंस कौन सी मूवी या फिर कौन सी सीरीज़ में फर्स्ट दिखाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में उसके बारे में कुछ हिंट या फिर कैमियो तो नहीं होगा, लेकिन हिंट वगैरह ऐसा कुछ तो मिलना चाहिए डॉक्टर डूम के बारे में। तो देखते क्या होता है। वैसे मैंने बात किया था कैंग का, तो आप लोग कैंग को कम मत समझो, कैंग का मुझे वेट है, मुझे तो बहुत उम्मीद है कैंग से। तो कैंग को हल्के में मत लो, बी रेडी, मज़ा आएगा कैंग को लेके, मतलब देख के जो भी है। तो आप लोगों को पता ही है कि कैंग हमें दिखने वाला है एंटमैन 3 मूवी में, यानी कि रूमर चल रहा था और डेडलाइन या फिर THN ने ऑफिशियली ये चीज़ कहा था। तो देखते क्या होता है, मार्वल स्टूडियोज ऑफिशियली क्या करता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है, और कैंग का वेट है या नहीं वो भी मुझे आप लोग बता सकते हो। जल्दी दिखने वाला है कैंग, बी रेडी। आप लोगों को मैं वापस से एक बार रिपीट करके कह दूँ कि जल्दी दिखने वाला है हमें कैंग, तो बी रेडी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। MCU मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।